क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है प्रूव्ड प्रूव दैट डेल स्केयर आर एन इक्वल टू एन एन प्लस वन आर एन माइनस टू वेर एन इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने, डेल स्केयर है डेल डॉट डेल और आर एन वैसे ही। अब इसका हमने पहले डेल ले लेना, पावर साइड पे पावर में से एक माइनस आर का वेक्टर बटा उसकी मैग्नीट्यूड, ये वैसे ही ये वैसे ही, ये आर की पावर वन है ना, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर इसके साथ माइनस हो जाएगी, तो ये एन माइनस टू हो जाएगा। ठीक है, अब ये दो हो जाएंगे, प्रोडक्ट अब लगेगा कर्ल, पहले के साथ डेल दूसरा वैसे ही प्लस पहला वैसे ही दूसरे के साथ डेल, एन वैसे ही पावर साइड पे पावर में से एक माइनस इसके नीचे जो भी है उसका वेक्टर बटा उसकी मैग्नीट्यूड, ये वैसे ही आ जाएगा, ये भी वैसे ये भी वैसे डेल आर, ये थ्री होता है, क्वेश्चन नंबर वन में हमने सीखा था, ये वैसे ही ये वैसे ही आर डॉट आर आर स्केयर होता है, एक आर इससे काट देंगे, ये बस तीन पहले आ गया बाकी वैसे ही, तो एक आर इससे काट गया ये रह गया आर, आर वन है इधर, ये भी आर है, बेस सेम है, पावर कट्ठी कर ली तो आर की पावर एन माइनस टू आ जाएगा। अब ये एक एन और आर की पावर एन माइनस टू ये सेम है, कॉमन ले लें दोनों में से, बाकी बचेगा एन माइनस टू और यहाँ से प्लस थ्री, कॉन्स्टेंट में से कॉन्स्टेंट माइनस हुआ तो वन, तरतीब लगा लें ये पहले फिर ये बाद में, यही हमारी राइट हैंड साइड है। ठीक है जी, पहले अलहदा किया, फिर पहले एक का डेल लिया, फिर प्रोडक्ट डेल लिया और सिंप्लीफाई कर दिया, सिंप्लीफाई ये भाई स्क्रीनशॉट कर लेना चाहिए आप लोग। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, डेल आर क्यूब और आर वेक्टर है, प्रोडक्ट लगाएंगे, पहले का डेल दूसरा वैसे ही प्लस पहला वैसे ही दूसरे का डेल, ये तो थ्री होता है ना, पावर साइड पे पावर में से एक माइनस पावर के नीचे वाले का वेक्टर बटा उसकी मैग्नीट्यूड, ये वैसे आ जाएगा, आर डॉट आर आर स्केयर ये वैसे ही, एक आर काट दें तो थ्री आर स्केयर और आर, ये आर क्यूब हो जाएगा, ये साथ वैसे आता जाएगा, बेसिस सेम है, थ्री और थ्री सिक्स हो जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट है, आर क्यूब है ऊपर आएगा तो आर की पावर माइनस थ्री, पावर साइड पे पावर में से एक माइनस पावर के नीचे वाले का वेक्टर बटा उसकी मैग्नीट्यूड, ये आर इस आर से कैंसिल कर देंगे तो माइनस थ्री आर की पावर माइनस फोर इंटू आर वैक्टर, इस पर डेल प्रोडक्ट लगा देंगे। ठीक है, पहले के साथ डेल दूसरा वैसे ही प्लस पहला वैसे ही दूसरे के साथ डेल, ये तो थ्री होता है पता है ना, पावर साइड पे पावर में से एक माइनस और नीचे वाले का वेक्टर बटा उसकी मैग्नीट्यूड और ये डॉट आर वैसे, ये माइनस थ्री थ्री जो नाइन आर की फोर हो जाएगा, आर और आर आर स्केयर होता है, एक आर इसे काट दें, ये आ गया आर, पावर वन है बेस सेम है ना, पावर कट्टी कर दें, माइनस फाइव प्लस वन माइनस फोर हो जाएगा, बेसिस सेम है, अद्धी सर हल कर देंगे तो ये आर के पावर माइनस फोर है, इसको नीचे ले जाएं तो प्लस फोर हो जाएगा, ये स्क्रीन शॉट अगर आपने लेनी है तो ले सकते हैं। ठीक है, ये था जी क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 1 और 2। अब है क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 3। कुल्फी खानी है भाई किसी ने, आवाज आ रही है। तो डेल स्केयर डेल, तो ये आर है ऊपर लाएंगे तो आर के पावर माइनस टू हो जाएगा और ये आर आ जाएगा, प्रोडक्ट डेल लगाना है, पहले का डेल दूसरा वैसे ही प्लस पहला वैसे ही दूसरे का डेल, ये तो तीन होता है। ठीक है, पावर साइड पे पावर में से एक माइनस नीचे वाले का वेक्टर बटा उसकी मैग्नीट्यूड डॉट आर वेक्टर वैसे ही, ये वैसे ही, आर डॉट आर आर स्केयर होता है, एक आर इससे काट दें तो आर आ जाएगा, ये अब साथ वैसे आता जाएगा, बेसिस सेम है, पावर इकट्ठी करेंगे, माइनस तीन में से एक गया तो माइनस टू आ जाएगा, बेसिस सेम है, तीन में से दो गए तो एक आ जाएगा। ठीक है, अब डेल स्केयर है, ठीक है ना, साथ साथ आ रहा था तो डेल स्केयर है, लहदा लहदा कर दें, पावर साइड पे पावर में से एक माइनस इसका वेक्टर बटा इसकी मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब ये आर माइनस थ्री हो जाएगा, ये ऊपर आएगा तो माइनस वन, बेसिस सेम है, पावर कट्ठी कर लो, माइनस तीन माइनस में माइनस चार,
अब इस पे प्रोडक्ट लगाएंगे, पहले का डेल, दूसरा वैसी, प्लस पहला वैसी दूसरे का डेल, ये तो 3 होता है। पावर साइड पे ये -2 वैसी कांस्टेंट है, पावर साइड पे पावर में से एक माइनस, और ये आर का वेक्टर बटा इसकी मैग्नीट्यूड डॉट आर वैसी, आर डॉट आर आर स्केयर होता है, एक आर इससे काटेंगे, बाकी आर बचेगा वो इसमें से एक पावर माइनस ऐसे करेंगे ना तो 4 आ जाएगा। और इधर भी क्या है 6 आर की पावर -4, बेसिस सेम है ना, माइनस काट सकते हैं तो -2 आर की पावर -4 आ जाएगा। इसको प्लस करने के लिए नीचे ले जाएंगे ऐसे, ठीक है। तो ये इकट्ठा देख लें आप, ठीक है जी। तो ये था जी थर्ड पार्ट। आगे हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में प्रूव करने, तो डेल स्केयर है ना, मैंने क्या किया इसको, डेल स्केयर को मैंने डेल और डेल लेदा लेदा कर दिया। अब इसका डेल लेना है तो इसका डेरिवेटिव और आर का वेक्टर बटा उसकी मैग्नीट्यूड, आर को इधर कर लेंगे वेक्टर और ये स्केलर कह लो। अब इस पे डेल लगाना है, पहले का डेल दूसरा वैसे प्लस पहला वैसे दूसरे का डेल, ये तो 3 होता है हमें पता है, ये 7 वैसे। इस पे डेल लेने के लिए तकसीम वाला ये ठीक है क्वेश्चन रूल, नीचे वाले का स्केयर नीचे वाले ऊपर, ऊपर वाले का डेरिवेटिव और फिर आर का वेक्टर आर बटा उसकी मैग्नीट्यूड, और माइनस ऊपर वाला और नीचे वाले का आर का 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये डॉट आर ये इधर आ गया, वो वाला वैसे ही साथ साथ आता जाएगा, आर एफ डैश आर। अब ये आर आर वेक्टर बटा आर, ठीक है, ये इधर मिनट, ये जो था ना आर का वेक्टर बटा उसकी मैग्नीट्यूड, ये आर वेक्टर और उसकी मैग्नीट्यूड कॉमन ले लें, बाकी आएगा आर एफ डबल डैश आर इंटू एफ डैश आर, ठीक है। तो अच्छा यहाँ आर नहीं था ना, ठीक है, क्योंकि ये सिंपल ही है। उसके बाद आर और आर आर स्केयर, अब ये वैसे ही आता जाएगा साथ, आर और आर आर स्केयर, एक आर काट देंगे या ये आर स्केयर से कैंसिल हो गया तो नीचे आर आ जाएगा, ये साथ वैसे ही आता जाएगा। अब नीचे आर आ गया, अब आर इसके नीचे लैदा कर दो, इसके नीचे लैदा कर दो, इसका कैंसिल हो जाएगा एफ डबल डैश आर, ये बिल्कुल सेम है सास, तो 3 में से 1 गए तो प्लस 2 आ जाएंगे, तो ये डबल डेरिवेटिव है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी टू एफ ओवर डी आर स्केयर प्लस 2 ओवर आर डी एफ ओवर डी आर, ठीक है जी। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 मुकम्मल हुआ। फिर देख लें यहाँ स्केयर था, लेदा लेदा कर लिया पहले, अब इसका लिया एफ डैश आर और आर का वेक्टर बटा उसकी मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इधर कर लिया, फिर इस पे प्रोडक्ट लगाया, पहले का डेल दूसरा वैसे प्लस पहले वैसे दूसरे का डेल, ये 3 होता है एफ डैश आर और आर। आगे इस पे क्वेश्चन रूल लगाया और आंसर निकाल दिया। अभी आगे है क्वेश्चन नंबर 11। आर स्केयर ऊपर लेंगे तो आर के पावर -2, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, पहला वैसे क्रॉस दूसरा प्लस पहला वैसे डेल क्रॉस दूसरा, पावर साइड पे पावर में से एक माइनस, आर का वेक्टर बटा उसकी मैग्नीट्यूड, ये वैसे आ जाएगा, ये भी वैसे, डेल क्रॉस आर जो होता है ना वो 0 होता है, डेल क्रॉस आर 0 होता है, और दो वेक्टर्स का क्रॉस भी 0 होता है, ये भी 0 वो भी 0, तो 0। आगे क्वेश्चन नंबर 12 है प्रूफ करने, कर्ल फाई ग्रेट ग्रेडियंट फाई इक्वल टू 0, कर्ल ये होता है ग्रेडियंट भी यही होता है, प्रोडक्ट रूल, पहले के साथ
दूसरा वैसे ही, यानी क्रॉस दूसरा प्लस पहला वैसे ही, ये क्रॉस ये। अब डेल क्रॉस डेल फाई जीरो होता है और कर्ल और ग्रेडियंट फाई भी जीरो होता है, तो ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, तो जीरो 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 हो गया।